अर्जुन कपूर की फिल्म इंडियाज मोस्ट वांटेड काफी दिनों से चर्चा में थी। 24 मई को रिलीज हुई इस फिल्म में इंडिया के उसामा को निहत्थे पकड़ने की 5 हीरोज की ये कहानी लोगों के दिलों तक उतरने में नाकामयाब रही। सिनेमा घरों से बाहर निकल रहे ज्यादातर लोगों ने फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया है। फिल्म के डायरेक्टर राजकुमार फिल्म को नो वन के जैसिका जैसा बनाने की कोशिश की है, मगर इस फिल्म की स्क्रिप्ट काफी कमजोर है, जिसके कारण ये फिल्म ऑडियंस को लुभा नहीं पाई। फिल्म का डायरेक्शन शानदार है, लेकिन अर्जुन कपूर की एक्टिंग फैंस को इम्प्रेस करने में नाकामयाब रही। मिला जुला कर बताएं तो फिल्म वन टाइम वॉच ही बताई जा रही है। बॉलीवुड और टेलीविजन की लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल बॉलीवुड मिरर और बेल आइकन को दबाना मत।